हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बेसिकली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बहुत सारे बच्चों को यार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ बिहाइंड, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताऊँ कि लेक अप मैथमेटिकल नॉलेज और ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाता। कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो लास्ट में पढ़ाया जाता, आसान रहता तो पहले ही पढ़ाया जाता। तो पहली बात है जो वो है लेक अप मैथमेटिकल नॉलेज। दूसरा, लास्ट में जो मैं एक्सपीरियंस देखा हूँ कोचिंगों में, लास्ट में होने की वजह से इसको उड़ा दिया जाता है। उड़ा दिया जाता है मतलब जल्दी जल्दी में इसको निपटा दिया जाता है। तो बेसिकली समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। और SHM से एक क्वेश्चन हर साल आता है, 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था और आगे भी आएगा यार। पहला है फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेशन है। अब इसमें जो फेज डिफरेंस है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको पता है कि ए साइन ओमेगा टी होता है, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM और एक्स इज द पोजिशन, इंस्टेंटेनियस पोजिशन जब टाइम टी है। ये मीन पोजिशन, यहाँ से पार्टिकल जाता है और यहाँ पर जाके रुकेगा एक्सट्रीम पोजिशन प्लस ए, वापस आएगा यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, तो ये ऑसिलेशन पूरा हो जाता है। तो ये जो है अब डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी होगी वो होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो dx ओवर dt होती है। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दे, चेन रूल लगेगा, पहले साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे, फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा मिलेगा। अब इतना इसको लिख सकते हो, एक्सलेशन को लिख सकते हो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दिस इज द एक्सलेशन। अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि y1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, एक इक्वेशन ये है, और y2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा 2 है। तो मैं डायरेक्ट फेज डिफरेंस निकाल लेता हूँ, या तो दोनों साइन में हो या तो दोनों कॉस में हो। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो थीटा 2 माइनस थीटा 1। फेज डिफरेंस बेसिकली मैथमेटिकली दिस इज द थीटा इज द फेज, ये थीटा फेज है। तो इन दोनों में जो या तो दोनों साइन में हो या तो दोनों कॉस में हो। तो अब एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में पूछा है, तो एक्सलेशन तो साइन के फॉर्म में है और ये भी साइन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर माइनस चढ़ा हुआ है यार, सामने इसके माइनस कूद के आ गया है कहीं से, तो इसको इसी के जैसे लिख दूँ या उसको इसी के जैसे लिख दूँ। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, लिख सकता हूँ, है ना, पढ़े हो, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, ये अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़े हो तो पाई प्लस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, और इसमें जो साइन होता है साइन इसमें एक्चुअली निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। तो ये तो अब एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो फेज डिफरेंस है ये ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी इसमें घटाओगे तो फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी में निकालना होता तो कैसे लिखते, वेलोसिटी को लिखोगे, वेलोसिटी कितनी है बोलो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इतना लिख सकता हूँ, या ए ओमेगा साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा, बात बराबर है ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता होगा पढ़े होगे कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता होगा, होता होगा क्या, यहाँ से क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इसमें साइन पाई बाई टू
प्लस थीटा सेकंड में चले जाएंगे क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब ये पाई बाई टू होता है तो चेंज होता है कॉस। तो ये बहुत बेसिक आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो जो वेलोसिटी है, अब आपको यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी और एक्सलेशन में, एक्सलेशन ये वाला आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, जो फेज का डिफरेंस है, आप ओमेगा टी इसमें पाई बाई टू है, और जो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है उसमें फेज डिफरेंस पाई बाई टू। तो बेसिकली अभी हमें जो चाहिए था वो एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में चाहिए था, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है।